माफी मांगनी होगी नेशनल टेलीविजन पर। माफी? जी माफी, क्योंकि कल सबके सामने नेशनल टेलीविजन पर इस शो की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और वो भी एक लड़की की वजह से। और अब तो नाइंसाफी का दावा भी झूठा हो गया। क्यों रुद्र, माफी मांगने के लिए तैयार हो? विजभूषण जी, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हम हद पार कर रहे हैं? और कल तुमने और जो झनक ने किया वो क्या था? सबके सामने पूरे शो की धज्जियां उड़ा दी गई, वो हद पार करना नहीं था? मैंने टेलीविजन पर कुछ नहीं कहा और ना ही झनक ने। अच्छा कुछ नहीं कहा? रुको हम बताते हैं। कल आपने कहा कि झनक की ड्रेस को किसी ने फाड़ दिया जानबूझकर। और ये तो सीधे सीधे रुद्र प्रताप की बरसों की मेहनत पर कीचड़ उछालने के बराबर है। बृजभूषण पूरी तरह रुद्र को भी सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसे डांस करने में परफॉर्म करने में दिक्कत हुई। क्यों भूल गए? मतलब अब माफी मांगने की बात आई तो भोले बन रहे हो? देखिए प्रोड्यूसर साहब, अगर आपको लगता है कि रुद्र ने और झनक ने इस रेपुटेशन को खराब नहीं किया है, तो प्लीज अभी से और आज से ही हम और हमारे डांसर्स इस शो में नहीं रहेंगे। और बृजभूषण का ये ऐलान धमकी के रूप में है, जो रुद्र प्रताप बखूबी जानते तो हैं, पर अब क्या करे वो भी। इस वक्त उनका पलड़ा नीचा है। झनक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिली उसकी बेगुनाही का, और जहां सब हैरान हैं। गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए अभी भी एक परफॉर्मेंस बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस शो में रहें, तो आप प्लीज एंकर से अनाउंस करवाइए कि झनक कभी भी इस शो का हिस्सा नहीं थी और आगे भी कभी भी इस शो का हिस्सा नहीं होगी, और उसके मेंटोर रुद्र प्रताप को नेशनल टीवी पर सबके सामने माफी मांगनी होगी। और ये इतनी बड़ी बेइज्जती है सबके लिए, खासकर रुद्र प्रताप के लिए। उसके रेप्यूटेशन पर सीधा असर आएगा। हम सबका समय बर्बाद करने के लिए, बोलिए मंजूर है? सर आप ये सब कैसे कह सकते हैं? देखो रुद्र, गलती की है तो माफी मांगना सीखो। अपनी मनमानी करके गलत टैलेंट को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन अब आदित्य को भी ये समझ नहीं आ रहा कि झनक आखिर गलत टैलेंट कैसे है। रुद्र तो अब पहले से भी परेशान हो गया। देखिए हम बाहर खड़े हैं, इंतजार करेंगे। आप लोग आपस में डिसीजन ले लीजिए और हमें बता दीजिए। सर क्या चल रहा है ये सब? देखिए रुद्र जी, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, हमारे मेंटोर हैं, कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीवी पर आपसे माफी मंगवाने की गुस्ताखी हम नहीं कर सकते, लेकिन झनक वो तो माफी मांग सकती है ना? पर अब रुद्र झनक से कैसे माफी मंगवाएगा? उसका माफी मांगने का मतलब तो सीधे रुद्र प्रताप की खोज और झनक की हुनर को नीचा दिखाने की बात है। एक सेकंड, इन सब में झनक क्यों माफी मांगेगी? देखिए आदित्य जी, झनक की वजह से मेरे शो की रेपुटेशन गिरते गिरते बची है। अगर वो इधर माफी मांग लेगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना मुझे डिफेमेशन का केस करना होगा। क्या डिफेमेशन केस? सर आप जो बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोल रहे हैं, राइट? देखिए रुद्र जी, एक छोटी सी माफी ही तो है। आप भी सोच लीजिए, माफी या 10 करोड़ का डिफेमेशन का केस। और ये सुनकर जहां रुद्र की आंखें खुली की खुली रह जाती है, आदित्य और भी शॉक्ड होता है। आखिर झनक के साथ ही ऐसा क्यों? क्या उसकी काबिलियत को मंच पर दिखाना इतना बड़ा गुनाह है? Well, I'll take a lead now. लेकिन माफी मैं नहीं छोड़ूंगा, झनक को माफी मांगनी ही होगी। Got it? आदित्य जी, क्या कोई और रास्ता है हमारे पास? फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन
डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और जहां आदित्य भी जाता है वहीं अब रुद्र प्रताप को एक सदमा सा हो जाता है, छनक के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों और किसने किया, इसका जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा, पर कैसे और अब। छनक चलो यहाँ से जी। हमें अभी निकलना है। अभी गुरुजी? भी इसी वक्त उठो चलो। और अब गुरु से कोई जवाब सवाल नहीं करती है झनक। जो गुरुजी ने सोचा होगा सब ठीक ही होगा, पर झनक को ये नहीं पता कि आज उसके खिलाफ क्या हुआ है। इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गई है उसकी डांस की करियर, पर रुद्र प्रताप हार मानने वालों में से नहीं है। आगे वो क्या करेगा, क्या झनक का अब भी साथ देगा या और कोई चाल चलेगा उस इंसान के खिलाफ जिसने झनक के साथ साथ रुद्र प्रताप की पहचान पर भी सवाल उठाए हैं। देखते रहिए आगे क्या होता है। झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।